हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ड्रामा की स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की फीमेल लीड शी यूएस से होती है, जो कि अपने स्कूल से अपने घर जा रही होती है। काफ़ी लेट हो जाने के बाद वो देखती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और अचानक से ही पैनिक कर जाती है, बट शी इज़ अ ब्रेव गर्ल अभी के लिए। आफ्टर दैट वो बंदा उसे फॉलो करता जा रहा था, तभी वो एक बॉक्स उठाकर उसके सिर पर रखती है और भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो बंदा उसका पैर पकड़ लेता है और शी यूए उतने में ही रुक जाती है, भागने की जगह अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, आई डिडंट सी एनीथिंग रियली। सो इट्स द फर्स्ट इंडिकेशन दैट शी इज टोटली आउट ऑफ ब्रेन। यहाँ पर वो बंदा खड़ा होता है, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट भी उतना ही सरप्राइजिंग रहता है, और कहता है कि मॉम आई एम योर सन। सो एक 17 ईयर ओल्ड हाई स्कूल गर्ल का 24 ईयर ओल्ड सन कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना होगा। टाइम रहता है 2051, जिस टाइम पर जो टाइम ट्रेवल है वो एक छोटी मोटी बात है, मतलब अब टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो चुका है और कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है अगर वो चाहे तो। यहीं पर हमें ड्रामे के मेन लीड शुओ को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम शी यूए की स्टोरी बताता है। यहाँ पर वो बताता है कि शी यूए उसकी मॉम जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल लाइफ से गुजरी हुई है। यहाँ पर वो बताता है कभी भी उसकी फैमिली ने फेवर नहीं किया, उसके डैड सिर्फ और सिर्फ उसकी कंफर्टेबल लाइफ का ध्यान रखते थे, इसके अलावा उन्होंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसकी जिंदगी तब और बर्बाद हो गई जब उसने अपने हस्बैंड से शादी की। उसने तो उसकी जिंदगी टोटली हेल बना दी विथ वायलेंस एंड टॉर्चर, और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई और आफ्टर दैट जस्ट 47 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई। पर वो अपनी मॉम को इतनी बुरी हालत से निकलते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रेवल करेगा, अपनी मॉम की फेट चेंज करेगा, जिसके बाद वो एक अच्छी लाइफ जिए। यहाँ पर हम शू को देखते हैं, जो कि 24 ईयर ओल्ड बॉय रहता है। इसके बाद वो काफ़ी बार टाइम ट्रेवल ट्राई करता है ताकि वो पास्ट में जा पाए, अपनी मॉम की सारी लाइफ और फेट चेंज कर पाए, पर वो कई बार फेल हो जाता है। लेकिन फाइनली उसका चांस लग ही जाता है और आफ्टर दैट वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। और यहाँ पर अपनी ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, शी यूए, जो कि अपनी हाई स्कूल में एकदम मस्त मौला इंसान है, मतलब छक्का, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। नो वरीज विथ नो ब्रेन, हमेशा वो क्लास में लास्ट आती है और जैसे ही मैं रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है और उसे देखकर खुश होती है कि वाव नो चेंज, आई रियली लाइक दैट। यहाँ पर सारी की सारी लड़कियाँ उसे देखकर सरप्राइज हो रही होती हैं, कुछ तो उसे टॉन्ट भी मार देती हैं कि इसे देखो, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमेशा क्लास में लास्ट आती है। तभी यहाँ पर शी यूए उन्हें इग्नोर करने की जगह उन्हें कन्फ्रंट करती है, लाइक ये कोई शेमफुल बात नहीं है, पर वो उन लड़कियों से कहती है कि देखो अपने आप को, ये डार्क सर्कल्स, ये पिंपल्स, ये होते हैं तुम्हारी स्टडीज़ करने से, और अगर ये सब होता है इन मार्क्स के चक्कर में तो मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे मार्क्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई रियली डोंट केयर। इसके बाद वो जाने लगती है, यहाँ पर वो एक लड़की से टकराती है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है लू शियाओ, अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट विथ स्ट्रेट ए ग्रेड्स। यहाँ पर लू शियाओ भी इसे नोटिस करता है पर इग्नोर कर देता है, बिकॉज शी यूए तो ऐसी ही है। इसके बाद यहाँ पर शी यूए अपने घर पर जाती है और वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है, यहाँ पर शुओ उसे अप्रोच करता है और इसके बाद फीमेल लीड इस बात से शॉक्ड होती है, बिकॉज जो कुछ भी शुओ ने उसे अभी कहा था कि मॉम आई एम योर सन, और इसके बाद किसको बिलीव होगा, शी यूए की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, शुओ से कहती है कि आई एम योर मदर, जोक मार रहे हो क्या? इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है कि देखो ये ड्रामा नहीं चल रहा है और तुम किसी को भी आकर ऐसे अपनी मॉम बताओगे, पागल हो क्या तुम? यहाँ पर शुओ कहता है कि नो मॉम इट्स नॉट अ जोक, यू आर माई मदर एंड आई एम योर सन। उसे पता था कि ऐसे तो उसकी मॉम बिलीव करने वाली है नहीं, बिकॉज उनका दिमाग भी उसके बराबर है। इसके बाद वो शी यूए को उसका लॉस्ट टेडी बियर ब्राउच देता है, यहाँ पर वो उस ब्राउच को देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? यहाँ पर शुओ कहता है कि मॉम आई एम योर सन, तो मुझे आपकी सारी चीज़ों के बारे में पता है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मुझे पता है कि ये भी आपकी ग्रैंडमा ने आपको गिफ्ट किया था। उसकी डिटेल बताता है शी यूए 17 ईयर ओल्ड ओ ब्लड ग्रुप एंड आपकी लेफ्ट आईब्रो 1 मिलीमीटर नीचे है आपकी राइट आईब्रो से। यहाँ पर शी यूए कहती है कि ओ अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, आजकल इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है तो ये चीज़ें बाहर निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं छोटे मोटे जाल में वैसे भी नहीं फंसने वाली।
एंड आपका वेट 54 केजी है, तभी यहाँ पर शी उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, मेरा वेट 50 से कम है। तभी यहाँ पर शो कहता है कि हाँ आई एम सॉरी, शायद आप काफ़ी लाइट वेट हो अपने हाई स्कूल एज में। तभी यहाँ पर शिव कहती है कि ऑफकोर्स मैं खाती हूँ बट मेरा वेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है। शिव ये उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करती। तभी शिव कहता है कि आपको मेरी किसी भी बात पर बिलीव नहीं होगा मॉम। तभी यहाँ पर शिव यू कहती है कि पहली बात तो मुझे मॉम कहना बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। यहाँ पर एक वेट्रेस आती है और कहती है कि वैसे सिंगल मॉम होना काफ़ी बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात है अपनी चाइल्ड को अकेला छोड़ देना। व्हाट अ शेमफुल थिंग। यहाँ पर शिव ये सरप्राइज होती है और कहती है कि ये क्या बात हुई, मतलब कोई भी आता जाता देखकर मुझे इसकी मॉम समझ के मुझे डांट लगा रहा है। यहाँ पर शिव कहता है कि यस मॉम, आपको बिलीव कर लेना चाहिए, हमारी शक्ल भी बिल्कुल सेम सेम है, तो कोई भी बिलीव कर ही लेगा कि आई एम योर सन। यहाँ पर वो वेट्रेस के सामने चिल्लाती है और कहती है कि इज नॉट माई सन एक्चुअली। उसके बाद ये दोनों चीज़ को बिल्कुल कन्फर्म करने के लिए अपना DNA टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। जब तक टेस्ट चल रहा होता है तभी यहाँ पर शी हुए अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट था। यहाँ पर शो से बताता है कि ब्राइट नहीं, काफी ज्यादा डार्क था। आपको सबने बिट्रे कर दिया, आप बैंकक्रप्ट हो गई, 47 ईयर की एज में आपकी डेथ हो गई। सो दैट सो मिजरेबल। शिव चिल्लाती और कहती है क्या मेरी लाइफ इतनी बेकार थी। तभी यहाँ पर शिव कहता है कि ऑफ कोर्स इतनी बेकार थी। तभी यहाँ पर शिव हुए इसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करती और इसके बाद वो कहती है कि वैसे मेरा हस्बैंड कौन था। यहाँ पर शिव से बताता है कि आपका हस्बैंड आपका क्लासमेट लू शियाओ। और इसे सुनकर तो और जोर से चिल्लाती और कहती है कि क्या लू शियाओ, वो मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। ओ नो 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 नेवर, वो मेरा हस्बैंड कभी हो ही नहीं सकता, उस अनलकी मैन को लेकर आके मेरी जिंदगी में क्या हुआ होगा। यहाँ पर शो कहता है कि यस मॉम ही इज योर फ्यूचर हस्बैंड। यहाँ पर शी वे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और इसके बाद हमें उसके और लू शियाओ के इनकाउंटर्स दिखाए जाते हैं। शी वे तो वैसे भी बेकार इंसान है, उसे कोई काम तो है नहीं। इसके बाद वो बैठे बैठे अपने साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही होती है बेकार के, पर वहाँ पर फॉग होने लगता है। तभी लू शियाओ को लगता है कि शायद यहाँ पर आग लग गई है और इसके बाद वो आग बुझाने लगता है। तभी यहाँ पर शी वे खड़ी हो जाती है और इसके बाद सारा पानी उसके चेहरे और उसके कपड़ों पर। तभी वो चिल्लाती और कहती है कि बस करो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तूने मुझे जानबूझकर भगाया है। तभी यहाँ पर लू शियाओ कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, अगर तुम ऐसे काम करोगी और ऐसे छुप कर बैठोगी तो तुम्हारा तो यही होने वाला है। इतने में इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट होता ही है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि शी यूए फिर से तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। तभी यहाँ पर वो कहती है कि नो डायरेक्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर डायरेक्टर उस पर गुस्सा होते हैं और उससे फायर फाइटर रूल्स बार बार रिसाइट करने के लिए बोलते हैं। शी यूए को ये सब चीजें बड़ी बोरिंग लगती है। और यहाँ पर हम लू शियाओ को देखते हैं जो कि डायरेक्टर के पास आता है और बताता है कि उसने बैनर बना दिया है, बस इसे प्रिंट करने की बारी है। अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए शी यूए उस पेन ड्राइव को ले लेती है और कहती है कि वो उसे प्रिंट करवा देगी एंड इसके बाद उसकी पनिशमेंट प्लीज उसे मत दीजिए। आफ्टर दैट वो उसे लेकर भागने लगती है, बट दिन दहाड़े ही वो पेड़ से टकरा जाती है और चक्कर खाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था क्या। इसके बाद वो वहीं पर गिर जाती है। हम लू शियाओ को देखते हैं जो कि अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी यहाँ पर शी हुए अपनी पनिशमेंट पूरी कर रही होती है और रूल्स को रिसाइट करते हुए राउंड्स लगा रही होती है, पर उसके बाद उसे अचानक से प्यास लगने लगती है। वो अपने सामने जा रहे वो बंदे को अप्रोच करती है और जैसे ही वो बंदा उसे रिप्लाई नहीं देता और उसके बाद नोटिस करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि लू शियाओ है। इसके बाद कहती है कि ओ दैट अनलकी बॉय हर कहीं आ जाता है। यहाँ पर वो बिल्कुल हताश होकर नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर हमारे ड्रामे का थर्ड मेन लीड चू ज़ाओयांग उसे अप्रोच करता है जो कि इनका सीनियर था। इसके बाद वो शी यूए को उठाता है और उसे पानी की बोतल देता है और कहता है कि वैसे ये बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या। तभी यहाँ पर शी यूए कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, और हाँ इससे दूर रहना, अगर तुम इसके पास गए ना तो रियली यू आर डूम्ड, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है, तुम्हारी लाइफ इतनी अनलकी हो जाएगी ना कि तुम भी कोसोगे कि मैं कहाँ से इस बंदे से मिला, इसीलिए इससे दूर रहना। यहाँ पर शू ज़ाओयांग समझ जाता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर लू शियाओ भी चिल्ला रही होती है कि नहीं नहीं वो मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता बिकॉज उसने मुझे बहुत बर्बाद किया है। यहाँ पर उसका सन शो से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि नो मॉम ही इज योर फ्यूचर हस्बैंड, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर हमें फिर से कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हमें फिर से लू शियाओ और शी यूए की स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर शी हुए उसे बैनर को प्रिंट करवा लेती है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत बैनर प्रिंट करवा लिया है, आफ्टर दैट वो स्कूल की तरफ भागती है और सीधे डायरेक्टर के रूम में एंटर कर जाती है ताकि उस बैनर को सबसे पहले ले सके, उसे छुपा सके, बिकॉज वो बैनर ही गलत है। तो यहाँ पर वो लू शियाओ से टकरा जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर और सिक्योरिटी दोनों ही अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर इन दोनों को डांट लगाते हैं कि आखिर दोनों
लोग कर क्या रहे थे। डांट खाकर जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर शी यूए का बैनर है वो भी आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों बैनर को पकड़ने लगते हैं, इतने में ही गलती से जो बैनर है वो जाकर स्कूल बिल्डिंग पर लटक ही जाता है और इसके बाद सभी उसे नोटिस करते हैं और डायरेक्टर भी नोटिस करते हैं कि उस पर लिखा था कि ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोर। इसके बाद क्या था, इन दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है और साथ में इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर एप्लीकेशन लिखना होता है। यहाँ पर लियू शाओ जल्दी से अपनी पनिशमेंट पूरी करके चला जाता है पर शी यूए एप्लीकेशन भी ढंग से नहीं लिखती। इसके बाद डायरेक्टर उसे और पनिश करते हैं और उसे दोबारा से लिखने के लिए बोलते हैं। इतने में ही यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है जिसके हिसाब से क्लियर हो जाता है कि शी यूए और शुओ मदर एंड सन है और इनका डीएनए 99.999% मैच हो जाता है। यहाँ पर शी यूए फिर से चिल्लाती और कहती है कि नो इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल बट वी नो इट्स पॉसिबल। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।